कमल पुत, अरे इतना बन ढंग के क्या सरकारी नौकरी में जाने का है क्या तुमको? कहा जा रहे दोनों इतना तैयार हो गए? ये झुपोटे है ना छोटे डाल के फिर तो। हाँ बाबा एक बात ख्याल रखना, तुम है ना तुम मोहब्बत करते ना हमारे से। हाँ सही बोल रहे बड़े भैया, तुम सौतेले बाप है हमारे। क्या रे? अरे सामने देख सामने अपने कर्जदार। तुम मेरे पीछे भी झूम रहे हो? अरे जो दो लोग खड़े हैं ना बा, उनसे कर्जे ले ले, हम दोनों मुंह छुपाते फिर रहे, हमको उधर पास कर रहे यार। इतना उतावला क्यों हो रहा? डॉक्टर से मैं चलाऊंगा ना, चल बैठ। क्या बात कर रहा हूँ? देखा अमरीका का नाम लिया और अमरीका जैसी आगे बैठी। देख ए दादा, ए दादा, दादा फोटो निकालू क्या? फोटो क्या यार? दादा तेरे नाथ में मोबाइल चले गया ना यार। तेरे देखना काम था ना रे। अबे तू तो लड़की में ऐसा घुसता दादा के पूछी मत। अच्छी थी वो, ऐसा पसंद आ गई। हाँ चल। अरे मेरे बाप रे डॉक्टर जी, जी, जी। अरे डॉक्टर कहाँ गया? अरे बाप रे बाप दादा डॉक्टर गया नहीं है। अरे दादा यही पे तो था। अरे मेरे बाप गल्लू बहुत बुरा बुरा मारेगा मेरे बाप रे बाप। बहुत पढ़ने वाले दादा अपने को, एक तो मोबाइल भी गवा दिया। यानी अरे मेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ओह नो, तीसरी बात है। अरे एक दिन में ढूंढ के बता दूंगा मैं। एक दिन में? क्या बात कर रहे भाई ऐसा? अरे ढूंढ के देना बाप, मैं 500 रुपए दूंगा तुझे। मेरे उसका बड्डे मालूम है, चोर लगोगे पगडर लगोगे। चलो मेरे साथ चलना बाप। सही बोल रहा, उसके मुंह का दिखता भी वो। क्या हो भैया, सलमान और जहानी को देखे क्या तुम इधर? नहीं नहीं देखा। नहीं देखे? क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? जा यार अपना काम कर। अबे कहाँ लेके जा रहा है यार? चलना बा, पेट्रोल पंप पे मिलेंगे वो। चल क्या भैया, कहाँ जा रहे लुढ़कते पुड़कते? घर जा रहा हूँ। घर जा रहे क्या? हाँ। अरे वो मैं क्या पूछ रहा था, वो अपने जानी और सलमान को देखे क्या इधर कहीं? देखा ना भैया, चलो तुमको ले चलता हूँ उनके घर बम्बई में। बम्बई? हाँ। अरे बम्बई कहाँ लेके जा रहा, मैं अपने गांव का जो जानी और सलमान है उनकी बात कर रहा। अबे वो तो किसको नहीं दिखते रहे भैया। अबे यार काम है, किसके फटे में पाँव डाल दिया? क्या हो गया रे भैया? अबे तू तो आंग में घुस रहा यार मेरे। अरे बोलना क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, जा रहा मैं। तू काम कर, बोलना क्या हुआ? अबे जा यार भैया, मैं अलग, मेरी टेंशन में है। टेंशन में है बात? हाँ अरे गुड मार ले पूरा टेंशन भूल जाएगा। अबे मैं दारू पीता क्या? आया वहाँ पे बोले बाप रे बाप, एक गुड में पूरा टेंशन सब भूल जाएगा तू। ले बा। नहीं भैया तू तेरे ही टेंशन दूर कर, मेरा मत कर तू टेंशन दूर, मैं ढूंढता उनको। मैं क्या बोल रहा? सुनना। हाँ क्या बोल रहा? एक कटर का पैसा दे, मैं ढूंढ कर लाता दोनों। अबे पहले ये तो पी ले, उसके बाद एक कटर का पैसा लेना मेरे से। अबे ये तो अभी एक बैठक का माल है मेरे। अरे बाप रे, सुबह को आस्ता लगेगा ना वो। अबे दारू पीता कि पानी पीता तू? उतार लगती रे, उतार उतार लगती क्या फिर? अभी जा मैं, मेरी टेंशन में मैं, मेरे को वो लोग को ढूंढना बहुत जरूरी है। दो दिन से मेरा ट्रैक्टर लेके गए वो लोग। तेरे को तो बोल रहा पी ले, सब भूल जाएगा तू। अबे जा यार भैया, ने तो मेरा मैं भी सर मार लूंगा वहाँ पे। अबे सुन तो मेरे बात, एक बात, एक गुच्छन पी ले, एक गुच्छन। अबे नहीं पीता मैं दारू। अबे वो बोलते नहीं क्या? आ बैल मेरे को मार। तेरे को बल दे रहा मैं।
अबे भैया मैं शैतान से जीत लूंगा मगर तेरे जैसे बेवड़े से नहीं जीत पाऊंगा, मेरे को माफ कर दे और मेरे को जाने दे। देख ये शैतान को साथ में लेके घूमते हम लोग, आपसे क्या जीतेंगे रे? अबे तो वही बोल रहा ना मैं, 500 रुपया दे चाकने, 500 रुपया। 500 रुपया? अबे चाकने को 500 रुपया दे, 5 रुपया। अबे लोग सही बोलते, गोबर गिरता ना तो मट्टी लेके गोबर रे, ये क्या कर रहे थे 5 रुपया? तू खा ले उसका कुछ भी, 500 रुपया दे रहा, पूरी रात के भीख दे रहा क्या? Oh, no. मेरे तरफ से भीख कर रहे को। अजीब आदमी है, मेरा 5 रुपया मेरे को ही भीख दे रहा। अरे यार 90 की कसम खा के बोलता तेरा उतरा ट्रैक्टर कभी नहीं मिलेगा, देखा एकदम 500 रुपया दे रहा। अरे यहाँ भी नहीं है यार, आखिर कहाँ मिलेगा वो? अरे ये आएंगे गुड्डू बुलाने। हाँ अरे तू इसके नाक को काय को लग रहा, चल चले चलो। तुमको सोने की जगह भी दे रहा, मेरी इज्जत ले रहे, अभी निकाली हुई घर के वाइफ। दादा आधी रात तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ तो अभी यहाँ सो जाओ, मगर यहाँ कुछ कांड नहीं करना, समझा दे रहा तुमको? आए तुम्हारी जान की कसम कुछ कांड नहीं करेंगे, बस रात पास हो जाए हमारी बस। हाँ तो अभी अकल तुम कहा? अक्कल नहीं ना तुझे, अक्कल होना ना, मैंने जगह दिया ना अपने सोने। अब एकदम चुप्पे सो जाओ। हाँ उसने सुन लिया था ना, देवड़ा बोल रहा उसको तू। अरे बाप बहुत आत्मा, अरे मेरे बाप रे। हाँ दादा बहुत बहुत शुक्रिया दादा तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाप रे बाप, ए धक्का मत लगा, रात भर घुमा रहे बुक्के पास है घूम रहे थे आप। बोलना बा। सबसे पहले तो ऊपर वाले इसको अच्छा रखे यार, बेवड़ा है सोना है कैसा भी यार ये बक्की झोला, मगर अपने को सोने तो जगह दी यार। आज कितना थके थे अपने, जब ट्रैक्टर चोरी हुआ ना बा मेरी बनाटी चाली हो गई, सब तेरे वजह से बहुत सर। बोलता नहीं चाय पीने तो ट्रैक्टर चोरी नहीं जाते था यार, चाय की तलब में गलती ना मेरे को, और कितनी भूख लगे ना बता भूख भूल के। अब मेरे को तो डर लग रही कि यार क्या होगा, वो कल्लू क्या करेगा अपना, अब अपने को अंदर डालता कि बाहर डालता कि क्या करेगा, मुझे भरोसा नहीं है। नवा ट्रैक्टर तो रहे बाबा कहाँ से भर के लेके यार अपन। अभी दादा ट्रैक्टर इतना बड़ा था नहीं, उतनी बड़ी केस भी बन सकती है, उतनी बड़ी जेल भी रहती है। तो अबे दादा आज एक कांड क्या हुआ मालूम है क्या? क्या हुआ? अबे बाबा के दोस्त रेम चीचा नहीं क्या? हाँ रेम चीचा आते ना। अरे अपने घर पे आए थे। हाँ? बाबा तो पप्पड़ बेचने गए थे। हाँ? और तू भी बाहर था दादा। हाँ? तो आए बोले क्या रे बाबा कहाँ गए? तो मैंने बोल दिया बाबा वो सीरियस है दवा खाने गए, मेरे बड़े भाई ने दवा खाने लेके गया। ओह नो। और वो ढेर पैसे लग रहे। तो फिर बोला तुम्हारे पास है क्या कुछ पैसे? बोले 1000 रुपए है ना। तो मैंने बोला लाओ दे दो दवा खाने को लगेंगे, चूना लगा दिया। काम धंधे करो, काम धंधे। ओह नो।
बाबा ज्यादा सुना रहे अपने को, लोगों के ताने देते घड़ी घड़ी। पप्पड़ की थैली लेना भाई साहब। ले लो। अरे दिन भर में 100-200 रुपए की पप्पड़ भर के लेके जा रहा है, वो भी बिकने रहे। दुनिया भर का धंधा बंदा खराब है, है? अरे प्याज के भाव देखने जाओ जरा, प्याज के भाव आप एक चले गए, दाला के भाव देखो, दाला के भाव। अरे ये ऊपर वाले ने क्या करना क्या मालूम इनका। हमने खाना के नहीं, क्या तुम्हारा बात सुनना, हमने खाने भी नहीं दिए। अरे 10 रुपए की नोट ले जाके जरा थैली लेके जाओ बाजार में, समझ में आएगा। इतना धंधा मंदा है ना, तुमको क्या बताना। 10 रुपए का काम करते नहीं, पहले पकड़े खाने दो उनको। ए ऊपर वाले, प्याज के भाव भी कहाँ से कहाँ चल गए। अरे जरा बाजार की थैली हाथ में लेके जाओ। ऊपर वाले, भाव भी कहा हो गए, चावल के भाव कहा चले गए, बाबा हो गए पागल। अरे जरा 10 रुपए कमा के लाएंगे ना तो समझ पे आएगा। ऊपर वाले, अब तो गरीब के बस का कुछ भी नहीं बचा है, सिवा 20 रुपए डरने के लिए लाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता गरीब आदमी। ऊपर वाले बहुत मंदा है, धंधा बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाले बहुत मंदी चल रही। सलमान एक आदमी रहता, सीधा मंदिर जाता, मंदिर में जाता और बोलता भगवान से, ए भगवान मैं बहुत परेशान है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे घर में चावल नहीं है, मेरे घर में घी नहीं है, मेरे को घर में रहने को नहीं है, मेरे को जमीन भी नहीं है। तो भगवान एकदम प्रकट हो जाते, एकदम सामने आ जाते। भगवान बोलता चल मेरे साथ। वो पूछता कहाँ, बोले चल ऊपर। वो बोले नहीं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बाजरी भी है, चावल भी है, घी भी है, पैसे भी है, घर भी है, दौलत भी है, बाल बच्चे भी है। वाले, मेरे पास में सब कुछ है, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। देखा ना बाबा, बहुत पर जा रहे क्या। नहीं देखा, अपने सबको टोपी पहना दे, आज बाबू को पहना दे टोपी।